हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस तरह के छोटे से कपड़े में से बहुत ही सुंदर सा बैग बनाएंगे। इस बैग को बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कपड़ा ले लिया है, ये देखिए कितना ही छोटा है। इस तरीके से ये देखिए कितना छोटा है ये कपड़ा। तो आज हम इसमें से बहुत ही सुंदर सा बैग बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मेन फैब्रिक लिया है, उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म शीट लेंगे और अभी मैं आपको इसका मेजरमेंट बता दूंगी कि मैंने कितना कितना लिया है। फॉर्म शीट लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लाइनिंग लेंगे। तो लाइनिंग, फॉर्म शीट और ये सब आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से लाइनिंग और फॉर्म शीट को रखते हुए इस कपड़े को हम क्विल्ट कर लेंगे। तो क्विल्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हम मेन फैब्रिक रखेंगे, उसके ऊपर फॉर्म शीट रखेंगे और उसके ऊपर मैंने कपड़ा रख लिया। इस तरीके से सीधी सीधी सिलाइयां लगा लेंगे इस तरीके से इस पर, और फिर उसके बाद हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, क्विल्ट हो जाएगा। आप चाहे तो एक ही बार इस तरीके से लगाएं, आप चाहे तो इसमें इस तरीके से भी लगाएं। दोनों तरफ से आपको लगानी है या फिर एक तरफ से, ये आपके ऊपर है। आपको जिस तरीके से लगानी हो उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो मैं इस कपड़े को क्विल्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए कपड़े को मैंने क्विल्ट कर लिया है। तो आपको जिस तरीके से करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ मैंने एक एक सिलाई लगाई है और यहाँ पर हमारा कपड़ा है वो क्विल्ट हो गया है। तो अब हम डबल करके मैंने कपड़े को रखा है। अब मैं इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ आपको कितना लिया है। इसे डबल करके रखा है तो यहाँ पर है 16.5। तो 16.5 का हो गया हमारा 33 इंच। और यहाँ से हमने लिया है इसे 17.5, 33/17 का हमने ये कपड़ा ले लिया है। आपको जितना भी बड़ा बैग बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर कपड़ा ले सकते हैं। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप थोड़ा कम लें, अगर आपको ज्यादा बनाना है तो थोड़ा ज्यादा लें। तो मैंने यहाँ पर 33/17 ले लिया है। इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने 33 ली है और इसकी जो विड्थ ली है वो मैंने 17 ली है। तो इस तरीके से मैंने इस कपड़े को ले लिया है। अब सबसे पहले हम स्ट्रैप लगाएंगे इसमें। तो अब हम इसकी स्ट्रैप देख लेते हैं। आपको जिस कलर से लगानी है उस कलर से लगा लें। तो मैं इसी कपड़े से पाइपिंग लगाऊंगी इसमें और इसी कपड़े से मैं इसमें स्ट्रैप लगाऊंगी। तो पहले हम इसमें स्ट्रैप कट कर लेते हैं इसकी। अब हम यहाँ पर 2 से 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रैप कट कर लेंगे। देखिए हमने 2 स्टेप कट कर ली हैं। आप अगर इसमें फॉर्म शीट लगाना चाहते हैं तो फॉर्म शीट भी लगा सकते हैं। अगर आप इसे इस तरीके से प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें फॉर्म शीट लगाना चाहते हैं तो फॉर्म शीट भी लगा सकते हैं। अब मैंने इस तरीके से कपड़े को ले लिया है और इस पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ इस पर। अगर आप फॉर्म शीट लगा रहे हैं तो आप फॉर्म शीट ले लें, उसे अंदर की साइड में रखते हुए स्ट्रैप को सिल लें। उससे आपकी जो स्ट्रैप है वो थोड़ी मजबूत बनती है, काफी अच्छी लगती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रैप ले ली है। तो यहाँ पर फॉर्म शीट ले ली है। तो ये देखिए फॉर्म शीट के साथ हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और यहाँ से एक फोल्ड और लगा देंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी जो स्ट्रैप है वो हैंडल है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैं इस स्ट्रैप को इसी तरीके से सिल लेती हूँ फॉर्म शीट के साथ। इससे हमारी स्ट्रैप है वो काफी मजबूत हो जाती है और काफी अच्छी लगती है, थोड़ी सी गुदगुदी सी। तो ये देखिए स्ट्रैप को मैंने सिल लिया है इस तरह से रखते हुए। ये देखिए हमारी पूरी स्ट्रैप बनकर तैयार है। तो 2 स्ट्रैप हमने बना ली है। अब हम स्ट्रैप को
यानी कि हैंडल को हम इस साइड में रख देंगे। अब हम फिर से पट्टी लेंगे, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच जितनी पट्टी ले ली है, क्योंकि हम इससे पाइपिंग लगाएंगे इसमें। अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं तो न लगाएं। तो यहाँ पर 5 इंच जितनी पट्टी ले ली है, 5 इंच चौड़ी, तो आपको जितनी भी चौड़ी लगानी है उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसे डबल करते हुए इसे डबल कर लेंगे और यहाँ पर हम डबल करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर आप डबल नहीं करना चाहते हैं तो सिंगल को आप 3 इंच ले लें, अगर आप डबल करके लगा रहे हैं मेरी तरह तो यहाँ पर 5 इंच ले लें। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से पट्टी को रख लिया है और रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को सिल लिया है। अब हम इस तरीके से इसे करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर इसे इस तरीके से एक पाइपिंग की तरह यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सिल लेंगे। डबल करने से हमें यहाँ पर फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसे इस तरीके से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। तो मैं इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो अब हम इसका सेंटर देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और दोनों हिस्सों को यहाँ से ज्वाइंट करते हुए यहाँ से ज्वाइंट करते हुए अब हम इसके सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों सेंटरों पर मैंने मार्किंग कर ली है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सेंटरों को मैंने मिला लिया है इस तरीके से, ये देखिए आप चाहे तो इस तरीके से रखते हुए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ से इसमें 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से 2 इंच का इसमें गैप देंगे और इस साइड से भी हम 2 इंच का यहाँ पर गैप देंगे। तो देखिए इस तरीके से। इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। अब हम एक स्ट्रैप लेंगे। इस स्ट्रैप को आप अपने हिसाब से जितना भी बड़ा लंबा इसमें लगाना चाहते हैं उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सिलना है हमें इसे, और फिर हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक सिलना है। आपको जितना भी इसे लंबा लगाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। इस साइड से भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। अब हमें दोनों साइड से देख लेते हैं कि कितनी कितनी हमें ये लगानी है। तो 10.5 इंच हमारी इस साइड से है और 10.5 ही हमारी इस साइड से है। 10.5-10 पर हमें मार्किंग कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस साइड में भी कर देते हैं तरीके से। अब हम यहाँ पर रखते हुए इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे और यहाँ पर हम इसे पक्का कर लेंगे। इसी तरीके से हम इस साइड में इसे रखते हुए इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सिल लेंगे और यहाँ पर भी इसे पक्का कर लेंगे। तो मैं दोनों साइड में यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ इन पर इस तरीके से रखते हुए। तो मैं इनको सिल लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टेप को दोनों साइड से लगा लिया है। तो इस तरीके से हमारी ये स्टेप लगकर तैयार हो गई है इसमें। तो अब हम यहाँ पर जिप लगा लेंगे इसमें। तो पहले हम इसमें जिप लगा लेते हैं। अगर आप पॉकेट वाला बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पॉकेट लगा लें। तो मैं इसे पॉकेट वाला बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर पॉकेट लगा लेती हूँ इसमें। तो पॉकेट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर जो बाहर
जो कपड़ा लगाया है उसे ही ले लिया है। तो अब हम यहाँ से इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसी तरीके से हम इस साइड से भी इसे फोल्ड कर लेंगे और इसी तरीके से नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। नीचे से फोल्ड करते हुए इसके हम तीन साइड में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं पॉकेट को लगा लेती हूँ। ये देखिए तीन साइड में हमें इस पर सिलाई लगानी है और ऊपर की साइड हमारा सिला हुआ है पार्ट है तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अगर आप ऊपर का सिला नहीं है तो आप इसे फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा सकते हैं। तो आपको जितनी भी बड़ी इसमें पॉकेट बनानी है उस हिसाब से आप यहाँ पर पॉकेट का ये कपड़ा सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसमें पॉकेट लगा ली है। तो अब हम यहाँ पर जिप लगाएंगे। जितनी भी बड़ी हमें जिप लगानी है यहाँ पर इतना नाप लेंगे, कितनी बड़ी हमें जिप लगानी है इसमें उस हिसाब से हम जिप को कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसमें जिप लगाऊंगी। तो अब हम यहाँ तक इस जिप को कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम जिप को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम जिप को सिल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप चाहे तो पहले इस तरह से इसको सिलें उल्टा रखते हुए, फिर उसके बाद आप इसे सीधा कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे रख लेती हूँ और यहाँ पर मैं इस पर सिलाई लगा लूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी इसमें सिलाई लगा लूंगी। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ इस पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जिप को लगा लिया है तरह से, यहाँ पर सिल लिया है अच्छे से। तो ये देखिए हमारी जिप यहाँ पर सिलकर तैयार हो गई है इस तरीके से। ये देखिए तो अब हम इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे पलट लिया है। अब हम यहाँ से लेते हुए यहाँ तक नीचे तक इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से लेते हुए यहाँ तक सिलाई लगानी है नीचे तक, तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसे सिल लिया है। ये देखिए इधर से भी सिल लिया है इसे और इधर से भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर कॉर्नर पर यानी कि जो नीचे का निशान है और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ से लेते हुए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये देखिए 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है और इस साइड से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे जहाँ से हमने सिलाई की हुई है वहाँ से लेते हुए। तो दोनों साइड में हमें बराबर ही करना है। ये देखिए 2.5x2 का इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इस तरीके से इसे रखते हुए यहाँ पर भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से यहाँ पर सिलाई यानी कि कटिंग कर ली है। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से इसे लेना है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसे सिल लिया है, इस साइड से भी इस साइड से। अब हम इसे अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे इसकी। तो अब हम यहाँ पर पाइपिंग लगा लेंगे इसमें। तो आप किसी भी कलर से यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर पाइपिंग लगा लेंगे हम। यहाँ पर 1 से 1.5 इंच इतनी पट्टी कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे सिल लिया है। अब हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। तो कहीं से भी हम इसे शुरू कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। अब हम इसे दूसरी साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से हमें फोल्ड करना है और इसे सिलकर तैयार कर लेना। इससे क्या होगा कि हमारे बैग है उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और ये दिखेगा भी नहीं, गंदा गंदा सा ये दिखेगा नहीं और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मैंने दोनों साइड में यहाँ पर पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो ये देखिए इस साइड में मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो इसका जो लुक है वो कितना ही अच्छा रहा है और फिनिशिंग भी हो गई है। पहले मैंने इस तरीके से लगाई सीधे और फिर यहाँ पर लगा ली है। इसी तरीके से हम इस साइड में भी ये पाइपिंग लगाकर तैयार कर लेंगे।
ये देखिए दोनों साइड से मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगाकर इसे अच्छे से फिनिश कर लिया है। तो अब हम इसे खोलते हुए इसे सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। काफ़ी सारा स्पेस है, इसमें पॉकेट भी है, आप इसमें कोई भी सामान रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और इस तरह से इसको बंद कर दें। और इस तरीके से एक हमारा हैंड पर्स बनकर तैयार हो गया है, हैंड बैग या पर्स। आप इसमें काफ़ी सारा सामान ला सकते हैं, अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो इसमें ग्रोसरी का सामान ला सकते हैं, फल सब्जियां ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें आप अपना कपड़े भी रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये बैग बनकर तैयार हो गया है। तो आपने देखा होगा इस बैग को बनाना कितना आसान है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।